निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म पूर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् अनुवाद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। थोड़ा शिफ्ट करना, वहां पे स्क्रीन कट हो रहा। तो यहां इस एक श्लोक में भगवान देखिए शरीर निर्वाह के विषय में, फिर मन बुद्धि और मन बुद्धि और शरीर से बद्ध जीव जो संपत्ति इकट्ठा करता है तो उन सब का क्या करना है, उन शक्तियों का क्या करना है, उन कलाओं का क्या करना है, उस काबिलियत का क्या करना है जो कि भगवान द्वारा दी गई है। परंतु जब बद्ध जीव भूल जाता है इस भौतिक संसार में आने के पश्चात, तो धीरे धीरे वो अपने मन बुद्धि कर्मों के द्वारा कैसे पुनः भगवान की चेतना में अपने आप को स्थित करे। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शब्द भगवान गौर कर अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि तुम इस रणभूमि में एक योगी बन सकते हो, रणभूमि के योगी बन सकते हो। तो हमारे चर्चा के विषय जो हमने लिए थे हमारी फर्स्ट सिटिंग से, तो इन शब्दों की व्याख्या और फाइनली भगवान ये कह रहे हैं कि कैसे इन सब अलग अलग प्रकार के हमारी जिम्मेदारियां, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, कैसे उन सब को पूरा करते हुए व्यक्ति अपने आप को इस कर्म बंधन के चंगुल से मुक्त करा सकता है। तो पिछले श्लोक से आज के श्लोक का ये संबंध, जो अर्जुन का संदेह, इस अर्जुन के संदेह को पूरा कर रहे हैं भगवान आज के इस श्लोक के द्वारा। तो हमने ये जो प्रथम पंक्ति है आज के श्लोक की, निराशिर यत चित्तात्मा, तो इसकी व्याख्या प्रारंभ की थी कि यत चित्तात्मा का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने अपने चित्त को जीत लिया है। तो पिछले हम कुछ दो सेटिंग से ये यत चित्तात्मा अपने स्वयं के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करनी चाहिए, तो कुछ हमने अलग अलग श्रेणियां ली थी कि कैसे जो विजय है या सफलता है वो हम मनुष्य इस मनुष्य समाज में अलग अलग स्तर पर पाते हैं या देखते हैं, जो इतिहास के पन्नों में उनसे हमने कहानियां ली। परंतु भगवान यहाँ पर अर्जुन को उस प्रकार की विजय या फतेह हासिल करने के लिए शिक्षा नहीं दे रहे, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्जुन के अंदर ये युद्ध जीतने की काबिलियत है। इस रणभूमि पर अर्जुन ये नहीं कि वो हारने वाले हैं, उनका जो युद्ध कौशल है
उस पर संदेह नहीं था भगवान को। यहां पर भगवान को संदेह कहां पैदा हो रहा है कि ये जो आंतरिक युद्ध है अर्जुन उसे नहीं जीत पा रहे। तो इसलिए हमने ये मुद्दा लिया पिछले दो सिटिंग से जो हम ले रहे हैं कि हमारे स्वयं के अंदर के जो शत्रु हैं उनसे उन पर कैसे हम विजय प्राप्त कर सकें। आपको याद है हमने आईने का उदाहरण लिया था कि आईना जो है वो सच्चाई बताता है, आईना हमें अपनी पहचान कराता है, परंतु यहां पर भगवान वो कौन सा आईना दिखा रहे हैं अर्जुन को कि तुम कैसे दिख रहे हो इस रणभूमि पर एक योद्धा के रूप में सजे संवरे, वो नहीं कि तुम्हारा आंतरिक अर्जुन जो कि नपुंसक हो चुका है, क्लैब्यम मास्म गमक पार्थ भगवान कहे, तो आंतरिक अर्जुन को दिखाए। तो इसलिए यदि अंदर के शत्रु हैं उनसे लड़ना है तो अस्त्र शस्त्र भी अंदर के ही होंगे। तो हमने ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा लिया था पिछले दफा कि यदि हम हमारे सूक्ष्म शरीर को देखें और फिर वो जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे स्थूल शरीर को जो बनाता है, सटल बॉडी जो ग्रॉस बॉडी को बनाता है, तो इच्छाओं से बना हुआ है। परंतु ये विशेष मुद्दा हमने लिया था ट्रायंगुलैरिटी ऑफ डिजायर्स कि एक है हमारे अंदर इच्छा, कई जन्मों से जो इच्छा हम लेते हुए वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारी इच्छाओं को हर एक योनि से कैरी करते हुए इस मनुष्य योनि तक, और इसके पश्चात भी अगर आगे की जितनी भी योनियां होंगी उन सब स्पीशीज में, उन सब योनियों में ये जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, हमारे इन सारी इच्छाओं को लेते हुए इनका समन्वय, सारी इच्छाओं का समन्वय, कौन सी सारी इच्छाएं, केवल इस मनुष्य जीवन की नहीं, जितने 84 लाख योनियों में हमने इच्छाएं की उन सब इच्छाओं का इंप्रेशंस लेते हुए हमारा स्थूल शरीर बनता है। अब एक है कि इन सब के साथ जो हम पैदा हुए और फिर विषय वस्तु वो नई नई इच्छाएं पैदा कराती हैं, सेंस ऑब्जेक्ट, परंतु इतना ही काफी नहीं, इस भौतिक संसार में ये जो तीसरा कोना है इस त्रिकोण का, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, और पिछले दफा हमने लिया था कि कैसे विशेष रूप से मनुष्य समाज में जो इन इंद्रिय भोग का विज्ञापन होता है, एडवर्टाइजमेंट्स, तो वो एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, परंतु प्रकृति ने हमें इस प्रकार का बनाया है कि हम जब तक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस से इन्फ्लुएंस नहीं होते तब तक हमारा जीवन पूरा नहीं होगा, ये त्रिकोण हमारे जीवन का पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें वहां पर माया देवी के जो सचिव हैं, एजेंट्स हैं, उनके बदले भगवान के सचिव प्रतिनिधि को लगाना है, उनसे हमें इन्फ्लुएंस होना। इसलिए देखिए कि ये जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार प्रसार इसके विषय में इतना कहा कि पूरे विश्व में इस संदेश का प्रचार होना चाहिए, और कल हमने सुना कि कैसे श्रील प्रभुपाद को ये आदेश दिया, और दो दफा प्रभुपाद ने जो प्रश्न पूछा अपने जीवन में उनके गुरु महाराज से, दोनों दफा उनके गुरु महाराज ने वही आदेश दिया कि इस भगवद गीता के संदेश का प्रचार प्रसार आप पूरे विश्व में कीजिए। क्या था वो? एक, श्रील प्रभुपाद ने इन्फ्लुएंस हुए वो किससे, यदि हम ये कहें थर्ड पार्टी, उनके गुरु महाराज से, उनके गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज से इन्फ्लुएंस हुए, और हम जो श्रील प्रभुपाद के अनुयायी, हम लोग श्रील प्रभुपाद के दिए हुए इन्फ्लुएंस से यहां पर बैठे हुए हैं। और क्यों हम हर बुधवार को आते हैं? ताकि हम इन्फ्लुएंस्ड रहें,
क्योंकि बुधवार के पश्चात जो इन्फ्लुएंस हमें मिलता है गुरुवार से लेके अगले बुधवार तक, वो इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल है। इसलिए प्रभुपाद एक वर्ड यूज किया करते थे, मटेरियल प्रोपोगंडा। आप प्रभुपाद की पुस्तकों में पढ़ोगे, प्रभुपाद ये वर्ड बहुत इस्तेमाल किया करते थे। सो द मटेरियल प्रोपोगंडा इज दैट यू आर दिस बॉडी। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव टू गिव द स्पिरिचुअल प्रोपोगंडा। तो क्या है वो? थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस प्रोपोगंडा। इसलिए हमने ये जो हमारी इच्छाओं के सात श्रेणियां ली थी, सात प्रकार की इच्छाएं, कोर डिजायर, सुपरफिशियल, बोरोड, नेसेसरी, अनवांटेड, सेंसलेस, डेंजरस। और अभी तक तो जो मैं चर्चा कर रहा था कि जो हम अलग अलग योनियों से इतनी सारी इच्छाओं को लेकर अब ये शरीर प्राप्त किए हैं, अब इस शरीर के अंदर जी रहे हैं, परंतु इस मनुष्य शरीर में हम विभाजित कर सकते हैं हमारी इन इच्छाओं को, कैटेगराइज कर सकते हैं। और उसके पश्चात फिर समझ में आता है कि ये इतना आसान नहीं है कि हम अपने आप को जिस चंगुल में बंधा चुके हैं वहां से निकलना इतना आसान नहीं है। इसलिए हमने ये सारी जो कैटेगरीज ली, इन सारी कैटेगरीज को हमारे शास्त्रों में षड रिपु नाम से कहा गया है। ये हैं हमारे वास्तविक रूप में हमारे आंतरिक शत्रु, लस्ट, एंगर, प्राइड, एनवी, इल्यूजन, ग्रीड। तो अब जैसे कि हमारा मुद्दा चल रहा है यत चित्तात्मा, हमारे आंतरिक शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करना, तो ठीक है ये छह विशेष शत्रु, तो ये तो लिस्ट सामने दिख रही है। और अगर सामने लिस्ट न भी दिखे तो केवल हम हमारे गिरेबान में झांक के देख लें तो समझ में आ जाएगा कि ये जो छह हैं वो कितने अच्छी से पाले पोसे जा रहे हैं हमारे द्वारा। अच्छे मोटे ताजे कलयुग में तो अच्छे मोटे ताजे हो रहे हैं ये छह शत्रु। क्यों? क्योंकि हम ही खिला पिला रहे हैं इनको। और पहले तो मेहमान के रूप में आए, अब तो डेरा डालकर ये मालिक बन चुके हैं हमारे। तो एक एक कर यदि काम वासना है हृदय में तो हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि उस काम वासना पर विजय यदि प्राप्त करनी है तो निस्वार्थ प्रेम, जब तक हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम, और निस्वार्थ प्रेम वो केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए और भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए ही हो सकता है। अन्यथा इस भौतिक संसार में जो तथाकथित प्रेम की परिभाषाएं दी जाती हैं चैतन्य चरितामृत के अनुसार, वो है क्या? वो दिखने में धातु के समान, जैसे कि लोहा और सोना दोनों को मेटल्स बोलेंगे, परंतु जमीन आसमान का अंतर है। लोहे में और सोने में जमीन आसमान का अंतर है। उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जब तक आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, जब तक स्वयं की इंद्रियों की प्रीति की वांछा होगी, तार धरे, उसको नाम क्या दिया गया है? काम। उसको नाम दिया गया है काम। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा, जब भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को प्रीति देने के लिए जो वांछा यदि हमारे अंदर जागृत हुई, केवल इच्छा, केवल यदि इच्छा जागृत हुई। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि यदि किसी एक खानदान में, अभी अगर हम सभियों का फैमिली ट्री निकालें, खानदान निकालें, तो कितने लंबी चौड़ी लिस्ट होती है,
हैं ऐसे पंडित पुरोहित हैं जो हर एक के खानदान की लिस्ट रखे हुए हैं। आप जाओ, हम हरिद्वार गए थे, हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ था तो अस्थि विसर्जन के लिए जब हरिद्वार गए थे तो वहां पर एक पंडित जी, वो सब हमारे जितने दादा पड़दादा, उनके भी दादा, उनके भी पड़दादा, उन सब का लिस्ट है उनके पास रखा हुआ है। और कोई उनके पास ये हार्ड ड्राइव नहीं है, कोई उनके पास सीपीयू नहीं है, उन्होंने रखा हुआ है। वो पूरी उनकी जो कास्ट है वही काम है उनका। यहां पर भी है क्या? यहां पर भी होंगे। तो हम यदि उन सब के विषय में ये जो हम कह रहे हैं कि कौन सा पॉइंट था ये, फैमिली फैमिली, तो यदि हम ये फैमिली ट्री को लें तो ये फैमिली ट्री के अंदर, और यहां पर जो हम ये मुद्दा ले रहे हैं सेल्फलेस लव का, एक से पॉइंट दूसरा पॉइंट पे चला गया, इसलिए 3 दिन के फेस्टिवल के बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो जैसे कि हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रीति की वांछा, यदि वो वांछा हमारे अंदर, वो इच्छा, हाँ ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है, अभी याद है, कि यदि वो एक खानदान में एक व्यक्ति यदि भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनने की इच्छा रखता है, केवल इच्छा उसने पैदा की कि उसकी इच्छा हुई कि चलो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बना जाए, बस उसने एक दफा सोचा, तो बताया गया है कि नृत्यंति पितर सर्वे, जितने उसके पितर, जितने सारे पूर्वज उनके, ये सारी लिस्ट, वो सब नृत्यंति, जहां पर भी, कौन से पितर लोक में होंगे, कोई किसी योनि में होंगे, किसी लोक में होंगे, वो सब नाचने गाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे खानदान में कोई एक पैदा हुआ जिसने इच्छा की, अर्थात हमारा उद्धार के आसार हैं, हमारे उद्धार के कोई होप्स हैं, इसलिए वो नाचने लगते हैं। तो सोचिए कि जब कोई भक्त बन जाता है या चेष्टा करता है, साधना भक्ति में लग जाता है, तब तो उनका डांस रुकेगा ही नहीं। और सोचिए कि यदि, यहां पर तो केवल इतना बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की इच्छा जताता है, तो सोचिए यदि जन्माष्टमी पर और ऐसे महोत्सव में आकर कोई भक्त बनकर यदि नृत्य करने लग जाए तो वो क्या करेंगे फिर। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि केवल आओ मत, आकर कीर्तन करो, केवल कीर्तन कोरस में मत करो, उसके साथ साथ तुम जोर जोर से उसको गाओ और नृत्य करो, और यदि सीरियस हो जाते हैं तो फिर आपको लीड सिंगिंग भी दिया जाएगा, आप लीड भी कर सकते हो, बाकी लोग पीछे, और नाचिए गाइए, ये प्रभुपाद ने दिया। तो सोचिए कि जब ये काम वासना को शुद्ध करने का इतना सरल तरीका दिया गया है, निस्वार्थ प्रेम, इसके पश्चात क्रोध, ये जो शत्रु है, इस शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अपने स्वयं के ऊपर क्रोध कीजिए कि मैं स्वयं कितना गिरा हुआ इंसान हूं, मैं स्वयं कितना पापी व्यक्ति हूं, और अपने स्वयं की गलतियों के ऊपर हम यदि क्रोध करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो जो क्रोध करने की प्रवृत्ति है, स्वाभाविक रूप की जो प्रवृत्ति बन चुकी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक दिन शर्म ही आएगा कि अरे मैं अपने ऊपर ही इतना क्रोध कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये होता है कि दूसरे करते हैं हमारे ऊपर और फिर हमें और क्रोध होता है कि वो हमारे ऊपर क्रोध क्यों कर रहे हैं, और फिर क्या होता है कि वो दोनों का क्रोध वो अपना अपना बढ़ता रहता है, और फिर इतना ही काफी नहीं था कि वो दोनों का जब क्रोध बढ़ रहा है तो तीसरा, कई बार अगर किसी भी दूर से संबंधित है वो उनसे, तो वो क्रोध करने लगता है, क्योंकि वो किसी का तो साइड लेगा,
जब वो किसी का इसका साइड लेता है तो उसका क्रोध, फिर ये इसने अगर उसका साइड ले लिया तो ये उसके प्रति क्रोधित हो गया। अब हुआ क्या कि पहले एक व्यक्ति था, अब एक के दो बने, और सभी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से हम हमारा संबंध निकल आता, तो फिर इसके वो संबंधित, इससे ये संबंधित, उसके वो, फिर सब आ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे कर कर होता क्या है, युद्ध। इफ यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ योर प्राइड, मेक कृष्णा प्राउड, कि हमारे उदाहरण से, हमारे आचरणों से, हमारे व्यवहार से हम भगवान को गर्वित करें, भगवान हम पर फक्र करें, भगवान हम पर गर्व करें। एनवी, ईर्ष्या किसी व्यक्ति के प्रति क्यों होती है? जब हम देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वो हमसे ज्यादा सफल है, वो हमसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो हमसे ज्यादा निपुण है, हमसे ज्यादा दक्ष है, तो हम क्या देख रहे हैं उसके अंदर? भगवान श्री कृष्ण का अंश देख रहे हैं। जैसे कि भगवान ने कहा, यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एववा, कि ये सब कण मात्र, जितने भी विभूतियां तुम देखो इस संसार में, कोई बहुत सुंदर गा सकता है, कोई बहुत सुंदर प्रवचन देख सकता है, कोई बहुत बड़ा चित्रकार है, गीतकार है, गायक है, कलाकार है, शक्तिशाली है, ऐश्वर्यशाली है, पैसे वाला है, जो भी कुछ आप विभूति देखो, भगवान कहते हैं कि वो केवल एक कण मात्र है, जैसे चिंगारी और प्रज्वलित अग्नि, चिंगारी है केवल वो। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अच्छा डेफिनेशन दिया एनवी का, ईर्ष्या का। उन्होंने कहा कि ईर्ष्या क्या है, कि इनडायरेक्टली तुम अगले व्यक्ति को अप्रिशिएट कर रहे हो, लेकिन अनफेवरेबली और इनडायरेक्टली अप्रिशिएट कर रहे हो, डायरेक्टली अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर इतने अच्छे गुण हैं, द्वेष के कारण। क्योंकि कोई जब हमसे बढ़ा चढ़ा होगा उसके प्रति द्वेष होता है, कोई रास्ता चलते भिखारी के प्रति द्वेष नहीं करता, क्या चिथड़े पहने हुए हैं इसमें, क्या कटोरा है इसका, नहीं। इल्यूजन, जिसको कहते हैं भ्रम, तो ये किसके कारण होता है, या भ्रांत धारणाएं किसके कारण होती हैं? जब तक आसक्ति है तब तक भ्रम में हम रहेंगे, जितनी आसक्ति गहरी है उतना भ्रम, उतना इल्यूजन गहरा होता है, और इसलिए उसे तोड़ने के लिए जो शस्त्र आवश्यक है वो है डिटैचमेंट। और फाइनली जो लोभ है, ग्रीड, ग्रीड से मुक्ति पाने के लिए, यहां पर आप उसको मार नहीं सकते, तो करना क्या है, उसे इस्तेमाल करना है, कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए लालची। जैसे प्रभुपाद, कल हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद जब वो पाश्चात्य देश गए, उससे जाने से पहले प्रभुपाद ने जो अरेंजमेंट्स प्रारंभ किए, कुछ 30-40 साल तक प्रभुपाद जो अरेंज कर रहे थे, वो क्या दिखा रहे थे प्रभुपाद, और वहां जाने के बाद थोड़ा भी मौका मिलता प्रभुपाद को कहीं कुछ बोलने का, जैसे प्रभुपाद वो डॉक्टर मिश्रा उनके योगा स्टूडियो में रहते थे, और डॉक्टर मिश्रा वो योगा सिखाते थे और थोड़ा बहुत योगा के विषय में बोलते भी थे, तो जो वहाँ पर अमरीकी लोग आते थे योगा सीखने के लिए, प्रभुपाद भी वहाँ पर बैठे रहते थे, और प्रभुपाद वहाँ पर गए थे योगा वगैरह सिखाने के लिए, नहीं टॉप मोस्ट योगा सिखाने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोग सब आसन वगैरह कर रहे हैं, परंतु जीवन, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है कोई नहीं बता रहा इन्हें। तो जैसे ही डॉक्टर मिश्रा की क्लास होती, वो एक वीडियो भी है, प्रभुपाद डॉक्टर मिश्रा की क्लास में ऑडियंस में बैठे हुए, और क्लास के पश्चात थोड़ा बहुत कुछ जलपान जब दिया जाता, तो उस समय प्रभुपाद को थोड़ा समय मिलता बोलने के लिए, तो जो भी, जिसके भी साथ प्रभुपाद बैठते, प्रभुपाद उनको सुनाने लगते कि भगवद गीता के विषय में आप जानते हैं, अरे जो योगेश्वर हैं, जो सारे योगियों के ईश्वर हैं, उन्होंने जो भगवद गीता, तो उनको धीरे धीरे, और कई बोलते, अरे
डॉक्टर मिश्रा तो हमको ये सब कुछ बताते नहीं, आपको ये सब जानकारी कहां से? तो ये कौन सा मुद्दा है? प्रभुपाद वो कृष्ण भावनामृत का जो संदेश है उसका प्रचार करने के लिए ऐसे लालची थे वो, कि कौन मिल जाए कि उनको वो भगवत संदेश दे. सो बिकम ग्रीडी फॉर कृष्ण सेवा. तो हमने पिछले दफा ये मुद्दा लिया था कि इन इच्छाओं को मारा नहीं जा सकता. यू कैन नॉट रिजेक्ट दीज डिजायर्स बट यू शुड सिलेक्ट द डिजायर्स. वन शुड फिट वंस डिजायर्स एज पर वंस नीड्स रादर देन लेटिंग आर डिजायर्स बिकम आर नीड्स. फिर से आपको पढ़ना होगा ठीक से समझने के लिए कि जैसे कुछ मेरे ख्याल से आप यदि 15 साल पहले आप देखो कि जो वस्तुएं जिनको लग्जरी कहा जाता था वो आज 15 साल बाद वो एक जरूरत बन गई. और आप जानते हैं हम किसका उदाहरण दें, मोबाइल फोन. तो पहले कोई अगर मोबाइल पे बात कर रहा है मतलब इसके पास इतने पैसे हैं कि ये मोबाइल फोन अफोर्ड कर सकता है. अभी तो शांताबाई भी फेसबुक पर है. आप देखो रिक्शे वाले हाँ कुली सबके पास स्मार्टफोन है. खाली फोन नहीं है, स्मार्टफोन है. तो पहले जो लग्जरी जिनको माना गया था अब वो जरूरत हो गई. और जो जरूरत की चीजें थीं वो अब लग्जरी हो गई. जैसे कि ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फल, ये जरूरत है. प्यूरिफाइड वाटर, ये एक जरूरत है. परंतु अब यदि आप देखो ऑर्गेनिक कुछ खरीदने आप जाओ, पता नहीं यहां पर है क्या, बंबई में आप जाओ ऑर्गेनिक सब्जी खरीदने जाओगे तो उसके दाम 2 गुना ज्यादा. चीनी, ऑर्गेनिक चीनी आप खरीदने जाओ उसका दाम है 85 to 90 rupees किलो. ऑर्गेनिक चीनी आप जानते भी नहीं होंगे, ऑर्गेनिक चीनी क्या होती. शक्कर का क्या दाम है वैसे? 40-35. तो चालीस रुपए की शक्कर और वो इतना हाइजीनिक नहीं है जितना कि ये ऑर्गेनिक शक्कर. लेकिन अगर जरूरत हमारे लिए हाइजीन की है तो उसको अगर आप लेने जाओगे तो वो आजकल लग्जरी. कोई आप देखो बड़े बड़े मॉल में अगर कोई ऑर्गेनिक सब्जियां खरीद रहा है तो जिसका दाम 2 गुना 3 गुना है तो दूसरे जब देखते हैं बड़ा साब लगता है, ऑर्गेनिक सब्जी खाता है, ऑर्गेनिक फल फूल खाता है, तो वो ऐश्वर्यशाली हो गए. वो जरूरत है. और आप पहले देखो कि जो गांव के किसान, गांव में रहने वाले, वो सब कुछ ऑर्गेनिक ही खाते थे, शुद्ध घी. अभी शुद्ध घी आप जो एक्चुअल घी होता है, जो हाथ से बिलोया गया घी, वो घी की कीमत आप देखोगे तो 2000 रुपए किलो तक होती है. अभी आप सोचते होंगे 2000 रुपए किलो का घी, उसको खरीदते खरीदते उसको खाएंगे कितना? 1 महीना तो खाली देखेंगे. 2000 रुपए किलो घी, उसको तो खाली देखेंगे. तो यहां पर यह मुद्दा क्या है कि वन शुड फिट वंस डिजायर्स एज पर द नीड. पहले जरूरतें देखिए,
और फिर जो इच्छाएं हैं उनको उन जरूरतों के साथ फिट कीजिए। जैसे कि एक है जूते का साइज और एक है पैर का साइज। तो हम जब जूता खरीदने जाते हैं तो हम कैसे टेस्ट करते हैं, भाई मेरा साइज 8 है या 9 है, जो भी साइज आपका होगा। तो आप बोलते हो कि ये मेरा साइज है, तो फिर वो साइज निकाल के, कई बार होता है कई जूते ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा इधर उधर उसको एडजस्ट करना पड़ता है। अब मान लो कि वो जो बंदा है, जो भी बाटा कंपनी वाला जो भी होगा, वो कह रहा है कि ये जूता अच्छा है, ये फिट नहीं हो रहा है, आप ऐसा कीजिए एक उंगली काट दीजिए, फिट हो जाएगा। आजकल वो पहनते ना ऐसे नोकीले जूते पहनते हैं, पता नहीं उंगलियां कहां जाती हैं। इतने नोकीले होते हैं, सामने वाला अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो सीधा उसको लगा दो। तो मानो कि वो शू फिट नहीं हो रहा है तो उंगली काट दो, अकलमंदी कहां होगी, किसको फिट किसमें करना चाहिए। अरे मोची के पास आप जाओगे तो मोची वो जूते का साइज बढ़ाएगा ना, ना कि आपके पैर का साइज कम करेगा। तो ये उदाहरण से समझ में शायद आएगा आपको कि एक है हमारी जरूरतें और एक है वो डिजायर्स। तो कौन सा एडजस्ट करना है, एडजस्ट द शू, डोंट चॉप ऑफ योर फिंगर्स टू फिट इन टू द शू। तो अब इसमें एक मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहूंगा। ये प्रश्न पूछा गया था एक हमारे सेमिनार में कि जब आप देखते हो कि इतना सब कुछ बोला जाता है कि मन को नियंत्रण में रखो, इच्छाओं को शुद्ध करो, सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, इतना सब कुछ कंट्रोल के बारे में बताया जाता है, परंतु जैसे ही आप का दिया हुआ ये महामंत्र जब करने के लिए बैठते हैं तो क्या होता है, ये मन को क्या हो जाता है, ये इतना बगावत क्यों करता है, इतना बागी क्यों बन जाता है। तो जैसे इसको कंट्रोल करने जाते हैं, तो इसलिए अब इस एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे एक मां अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा रही, अब इसमें बीमार कौन है, बच्चा बीमार है, मां बच्चे को ले जा रही है डॉक्टर के पास, तो आप देखोगे कि डॉक्टर जो है वो छोटे बच्चे को देखकर मुस्कुराता है, उसको एक टॉफी भी दे देगा, हाँ कोई खिलौना दे देगा, अगर उसके पास वहां पर कोई खिलौना है तो ले तू इसे खेल, पूछेगा बेटा नाम क्या है, कौन से क्लास में हो, कौन से स्कूल में हो, हाँ क्या अच्छा लगता है, हॉबी क्या है, फ्रेंड्स कौन से, ये सब बातें किससे कर रहा है, बच्चे से कर रहा है। वो जो मां बैठी हुई है, मां से डॉक्टर क्या बातें करेगा, ये सब बातें नहीं करेगा, अच्छी दिख रहे हैं आप कैसी हैं, कौन सी क्लास में है, नहीं मतलब जो सही डॉक्टर है मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो सही डॉक्टर वो उस बच्चे की मां या बच्चे का पिता जो भी, उससे सीरियस टॉक्स विल बी डन विद द पेरेंट्स, किसको तकलीफ क्या हो रही है, उपचार क्या, इलाज क्या होना चाहिए, पथ्य क्या होना चाहिए, बच्चे के साथ वही खेलने कूदने की बातें, लेकिन मां के साथ या पिताजी के साथ सीरियस टॉक्स चल रही। अब घर जाने के बाद वो बच्चे को तो पता नहीं कि उस डॉक्टर ने उस बच्चे को क्या लगा, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, टॉफी दी मुझे, अच्छी से मेरे बारे में पूछा, ये वो, अच्छा डॉक्टर है। लेकिन जो मां है वो घर पर आने के बाद बेटे को बुलाती है इधर आ, और वो
दवाई की बोतल खोलती है जो उस बच्चे को पता भी नहीं, और फिर वो जो कड़वी दवाई है जिम्मेदारी किसकी है? वो दवाई पिलाने की उस मां की जिम्मेदारी है, और वो मां से डॉक्टर ने सारी सीरियस बातें की थी इलाज के बारे में, बीमारी के बारे में। अब हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा ये है कि वो जो डॉक्टर है वो है हमारे जो गुरु, आध्यात्मिक गुरु। तो वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि इसका जो मन है वो मन जो है यहां वहां भटकता रहता है, तो मुझे आदेश किसको देना है? ये मन के ऊपर जो इसका बाप है या इसकी जो मां है वो है बुद्धि। तो बुद्धि वो सारा सीरियस टॉक गुरु से करना चाहिए। इसलिए जब हम लोग ऐसे सत्संग कार्यक्रम में भी आते हैं तो आप अनुभव करोगे कि बच्चे जो है, मतलब मन जो है हमारे अंदर का, वो खाली यहां वहां घूमता फिरता रहेगा, है ना? वो देखता रहेगा कि आज कौन सा नेक्स्ट पॉइंट वीडियो कौन सा होगा, आज कौन क्या पहन के रहा है, कौन कहाँ बैठा है, मन क्या, ये सब देखता रहता। बुद्धि को क्या देखना है? बुद्धि को ये नहीं देखना है कि कितनी जल्दी यहां से निकल के प्लेट बनाओ। बुद्धि को सुनना है जो भगवान का आदेश, और फिर घर जाने के बाद दवाई वो मां देती है उस बच्चे को, चाहे वो दवाई कड़वी हो या मीठी हो, ये जिम्मेदारी। अगर घर पर जाने के बाद बच्चा बोले नहीं मुझे नहीं पीनी है कड़वी दवाई, अरे डॉक्टर ने टॉफी दी थी तुम क्यों कड़वी दवाई दे रही, मां कहती है वो डॉक्टर ने मुझे जो बताया है तुमको ये कड़वी दवाई देने के लिए कहा है। तो मन जो है कई बार उसको लगता है अरे मेरे बारे में थोड़ी बताया था प्रवचन में, तो जो बगल में जो बैठा था वो ऊंग रहा था, वो सो रहा था, उसके बारे में सब कुछ चल रहा था। नहीं, ये सारा जो संदेश है ये भगवान ये हमारी बुद्धि को दे रहे हैं ताकि हम जाकर हमारे मन को वो कड़वी दवाई दें। अगर बुद्धि भी घर पर जाके बोल दे अरे अरे सही में कड़वी दवाई है, नहीं चाहिए ना, ले टॉफी खा। क्यों? क्योंकि मन को डॉक्टर अच्छा लगा है, डॉक्टर ने टॉफी दी, माँ अच्छी नहीं लग रही क्योंकि कड़वी दवाई दे रही है, तो अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए यदि माँ भी टॉफी खिलाने लग जाए तो उस बेचारे बच्चे का होगा क्या फिर? इसलिए ये जो इनर बैटल की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये उदाहरण याद रखना कि घर जाने के बाद हम सबको बनना क्या है। हाँ, दवाई के साथ, बिना दवाई के नहीं, दवाई के साथ, और फिर नियमित रूप से जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो जिम्मेदारी लेते हुए अपने मन को वो दवाई देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। और क्या दवाई है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे, अभी बुद्धि से भी देखना मन से भी देखना इस वीडियो को, जिसके अंदर हालांकि ये इंग्लिश में वीडियो है, इसका हिंदी अनुवाद हमको नहीं मिला, तो इसके अंदर जैसे कि इसका टाइटल है फाइटिंग इनर बैटल्स, तो एक युवक है जो कि अपने स्वयं के आदतों से जूझ रहा है, और उसका वार्तालाप होता है, उसका आमना सामना होता है अपने स्वयं से, अपने स्वयं से उसका आमना सामना होता है, और कैसे अपने स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए, या कैसे वो अपने स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करता है, ये छोटा सा वीडियो वो संदेश हमें दे रहा है। श्रील प्रभुपाद एक दफा वो देखे, एक जैसे वो पोस्ट बॉक्स, पहले पोस्ट बॉक्स में लेटर डाले जाते थे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा
वो पोस्ट बॉक्स में लेटर डालने की कोशिश कर रहा है और उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। और फिर उसके पिताजी देखते हैं तो उसके पिताजी उसको उठाते हैं और ऊंचा करते हैं और फिर वो उस पोस्ट बॉक्स में वो लेटर डाल सकता है। तो प्रभुपाद ने शिष्य ये दृश्य देखा और अपने शिष्य से कहा कि तुम इससे क्या सीखे। तो कुछ शिष्य थे वो बोलने की कोशिश कर रहे थे जो उन्होंने सीखा जो कुछ समझा। तब प्रभुपाद कहे कि हम सब वो छोटे बालक की तरह हैं और हमारे अंदर वो शक्ति नहीं, जैसे इस वीडियो में दिखाया कि वो इच्छा व्यक्त कर रहा था कि हाँ मुझे जो मेरी पुरानी बुरी आदतें हैं उनसे छुटकारा पाना है। और वो उसका अतीत, उसका स्वयं अतीत के रूप में या अतीत उसका स्वयं अभी वर्तमान सामने आकर उसको उकसा रहा था, प्रलोभित कर रहा था। और जब फाइनली उसने कहा कि नहीं मेरे अंदर शक्ति नहीं है परंतु मेरे पास उनकी शक्ति है जिसके द्वारा मैं तुम पर विजय प्राप्त कर पाऊंगा, तो वही हम देखते हैं कि हमारे अंदर का जो आंतरिक युद्ध है, अर्जुन वो बाहर का बाह्य युद्ध और अपना स्वयं आंतरिक युद्ध वो जीत पाए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां पर न केवल उस रथ पर मौजूद थे बल्कि मनोरथ पर भी मौजूद थे। अर्जुन के मन के रथ पर भी पारसारथी मौजूद थे। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपने स्वयं का सामना करने जाते हैं तो सबसे भयावह स्थिति वही होती है। इससे भयानक कोई हॉरर मूवी नहीं हो सकती। कौन सी? अपने स्वयं का सामना करना। इसलिए कहते हैं ना, आप ट्राई करो आपके सेलफोन से आपके खुद का नंबर डायल करो, क्या होगा? बिजी जाएगा। आपके सेलफोन से आपके खुद का नंबर डायल करो, हर समय बिजी जाएगा। इसलिए कहते हैं कि सब लोग लगे हुए हैं इस दुनिया में दूसरों के साथ आदान प्रदान करने में, उसमें वो मस्त हैं, परंतु स्वयं की लाइन वो हर समय व्यस्त है। कि सबके बारे में जानकारी हासिल व्यक्ति कर पा रहा है, इतने सारे सोर्सेज है, गूगल बस एक ही काफी है सारी जानकारी, परंतु अपने स्वयं के विषय में जानने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। और यही भगवद गीता है क्या? भगवद गीता वो आईने के समान है। भगवान अर्जुन को आईना दिखा रहे हैं कि अर्जुन पहले अपने आप को अंदर से तुम देखो। अब ये एक और उदाहरण, इससे हम समझ पाएंगे कि कैसे अब तक हम यत चित्तात्मा की जो चर्चा कर रहे थे कि हमें अपने स्वयं हमारे अंदर के युद्ध पर विजय प्राप्त करनी है। तो कई बार होता ऐसा है कि जब हम केवल अपना प्रयास उस पर निर्भर रहते हैं तो हम विफल हो जाते हैं, जैसे कि उस वीडियो में भी बताया था। तो अब हम देखते हैं कई बार, आजकल तो पता नहीं स्कूलों में होता है क्या, पहले हमने भी हथेली में बहुत फुटपत्ती खाई है, पनिशमेंट खाया है, और ऐसे धीरे हल्के से नहीं, जोर जोर से, पूरे लाल हो जाते थे इतनी जोर से टीचर मारती थी। तो अब मान लो कि कोई ऐसा बालक जो होमवर्क नहीं करता है, बहुत नटखट मस्ती बदमाशी करता है, शरारती है, और माँ भी जानती है कि मेरा बेटा वो शरारती है, वो बदमाशी करता है, वो होमवर्क नहीं करता, तो माँ क्या चाहती है? कि मेरा बेटा वो सुधरे, परंतु खाली बोलने से ये सुधर नहीं रहा है, तो इसको मार भी पड़नी चाहिए ताकि ये सुधरे। लेकिन माँ है, उसको लगता है कि मेरे बेटे को इस प्रकार से मार पड़ेगी तो उसको बहुत दर्द होगा। तो माँ क्या करती है? माँ
उसके हाथ में मोटे मोटे दस्ताने डालती है, ग्लव्स मोटे मोटे, और स्कूल भेजती, क्योंकि जानती है कि ये तो रोज मार खाता, आज भी खाएगा मार, लेकिन इसके हाथ में लगे ना, लेकिन इसको वो मैसेज भी मिले, इसलिए दस्ताने डालती। तो दस्ताने पहन के वो गया है, फिर होमवर्क नहीं किया, फिर से उसने कोई शरारत की, टीचर ने छड़ी निकाली, हाथ आगे करो, और अब जब टीचर मार रही है तो उसके हाथ में क्या है, दस्ताने हैं, तो क्या होगा, वो छड़ी तो लगेगी परंतु दर्द नहीं होगा। तो इसलिए इस उदाहरण के द्वारा कौन सा मुद्दा हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, लाइफ में हिट अस बट लाइफ कैन नॉट हर्ट अस अनलेस वी परमिट इट टू डू सो। तो अब इस उदाहरण में आप देखो कि जो टीचर है, आज टीचर्स डे, तो जो टीचर है वो प्रकृति, भौतिक प्रकृति है, और हम लोग बद्ध जीव इस भौतिक प्रकृति में, तो भौतिक प्रकृति तो हमें छड़ी मारती रहेगी, हमें ठीक करने के लिए, भौतिक प्रकृति जो टीचर है वो हमें ठीक करने के लिए छड़ी मारती रहेगी, परंतु भगवान श्री कृष्ण वो कौन है, वो उस माँ के समान है कि वो हमें दस्ताने देते हैं कि इसे पहन के जा, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम हमारी शरारतें भी बंद करें और हमें कुछ पीड़ा भी ना हो। तो ये बीच का जो सोल्यूशन माँ ने दिया, वॉन्ट हर सन टू बी करेक्टेड ऑल्सो बट ऑल्सो बिकॉज शी इज कंपैशनेट एंड मर्सीफुल मदर, शी डजंट वॉन्ट दैट हर सन शुड गेट हर्ट। सो लाइफ में हिट यू विद द केन्स बट इट माइट नॉट हर्ट यू इफ यू हैव द ग्लव्स। तो इसलिए यहां पर जब हम आते हैं तो मदन गोपाल जी हम सबको हर बुधवार हर रविवार क्या देके भेज रहे हैं, दस्ताने, दस्ताने देके भेज रहे हैं, क्योंकि बाहर प्रकृति छड़ी लेके रेडी है मारने के लिए, और क्यों मारने के लिए, हमें ठीक करने के लिए, क्योंकि हम हैं बदमाश। हम सब जानते हैं कि कौन कौन सी बदमाशी हमने की है और कर रहे हैं। इसलिए कम से कम दस्ताने तो मत उतारो। होता क्या है कि जब हम दस्ताने उतार कर रख देते हैं उसके बाद में जब छड़ी पड़ती है तब फिर माँ याद आती है, हाँ, तो बच्चा माँ को याद करता है, और दस्ताने के ऊपर भी जब छड़ी पड़ती है तब भी माँ याद आनी चाहिए कि यदि माँ नहीं होती, यदि माँ ने कृपा नहीं की होती तो आज तो यहां पर निशान केवल नहीं खून निकल गया होता। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं यथ चित्तात्मा द बैटल विद इन, तो इसे बहुत से साइकोलॉजिस्ट उन्होंने इस प्रकार से एनालाइज किया है कि हमारे अंदर के जो शत्रु हैं उनको हम अलग कर देखें। इफ आई एम जेलस, देयर इज जेलसी विद इन मी, आई एम नॉट जेलस। एंगर कम्स इन मी बट आई एम नॉट एंग्री। अगर हम आत्मा को उससे अलग कर दें कि आत्मा वो किसी से ईर्ष्यालु नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, आत्मा किसी से क्रोध नहीं करता, अगर हम जैसे वो पहला सिद्धांत भगवद गीता का, अब जैसे दुर्योधन का उदाहरण महाभारत में है कि दुर्योधन वो इतना पांडवों से ईर्ष्या करता था कि उसने अपनी पहचान वो बना ली थी, एंटी पांडवा। दुर्योधन की दूसरी पहचान क्या थी, पांडव जो कुछ करेंगे दुर्योधन को सहन नहीं होता था, इसलिए राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में दुर्योधन तो फैमिली है तो आना ही है उसको, तो दुर्योधन को खास भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी सेवा दी थी कि राजसूय यज्ञ में जितने गिफ्ट्स आएंगे
युधिष्ठिर महाराज के लिए जितने गिफ्ट्स राजा लेकर आएंगे वो सारे गिफ्ट्स को कलेक्ट करना है दुर्योधन को। अब सोचो, और गिफ्ट्स कोई ऐसे नहीं थे कि छोटे छोटे डिब्बे कोई ना लिफाफे, ऐसे नहीं थे गिफ्ट्स, बहुत आलीशान गिफ्ट्स आ रहे थे। और दुर्योधन को काउंट करना है, चेक करना है कि कौन से राजा ने कौन सा गिफ्ट दिया है। और भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को और चिढ़ाने के लिए कि अंदर देख भी लो कि गिफ्ट है क्या, और तुम्हें खाली उसका लिस्टिंग करना है, वो सारा युधिष्ठिर का होने वाला है। तो जल रहा था दुर्योधन अंदर से, इतनी सारे गिफ्ट्स। और फिर वो जाकर घर पर अपने पिताजी से कहता है, पापा पता नहीं आपको क्या क्या हो रहा था वहां पर, वहां पर जो भंडारा चल रहा था। और भंडारा मतलब ऐसा नहीं कि वहां पर जो भी आए हैं उनको कहीं दूर एक बड़े कोई धर्मशाला के बड़े मंगल कार्यालय के हॉल में बिठा दिया और वहां पर बस खिचड़ी खिला दी सबको। पूरे 56 भोग जो जो आए थे सबको 56 भोग खिलाया जा रहा था। और दुर्योधन वो कह रहा है, रिपोर्टिंग दे रहा है, वो कह रहा है कि वहां पर 1000 की पंगत बैठती थी एक टाइम पर, वन सिटिंग, एक पंगत 1000 लोगों की। 1000 लोगों को खिलाने के बाद, 56 भोग खिलाने के बाद फिर दूसरे 1000 आते थे। और ये पंगत पूरी हुई इसलिए घंटी, मुझे क्या सेवा दी थी, घंटी बजाने की, कि घंटी बजाऊं तो ये पंगत पूरी हुई, अब दूसरी पंगत आएगी। मैं पहले काउंट कर रहा था कितनी घंटियां, मतलब एक एक घंटी मतलब 1000, मेरा काउंट छूट गया, इतनी बार घंटी बजानी पड़ी मुझे। तो सोचो कितने आए, मुझे पता नहीं कितने लोग आए, और सबके लिए, कोई वहां पर खाली पेट नहीं गया, कोई वहां पर नहीं कि अरे तेरे को तो रसगुल्ला मिला, मेरे को तो ये नहीं मिला, मुझे तेरे को तो ये मिला, मुझे ये नहीं मिला। होता ना कई बार हमारे यहाँ, तुझे कचौड़ी मिली तो तुझे रसगुल्ला मिला ना, तो मुझे लेकिन दोनों नहीं मिला ना। ऐसे वहां पर कोई शिकायत लगा कर नहीं जा रहा था, वहां पर भर पेट बोल रहे थे बस हो गया और मत दो। और ये घंटी बजाया जा रहा है, घंटी बजाया जा रहा है, कितने हजार खा कर गए। तो धृतराष्ट्र वो भी कह रहा है, बेटा तेरे पास किस चीज की कमी है, तुझे सब कुछ तो मैंने दिया है, सब कुछ तो तुझे दिया है, तुझे किस चीज की कमी है। और दुर्योधन कहता है, यही तो कि जब मेरे प्रतिद्वंद्वी ये पांडव ये इतने ऐश्वर्यशाली होंगे तो कैसे मुझे आपका दिया हुआ ये भोजन पचेगा, हाँ कैसे आपके दिए हुए खिलौने मुझे रास आएंगे, जब तक मैं देख रहा हूं कि वो समृद्ध हो रहे हैं। इसे कहते हैं ईर्ष्या। इसलिए महाभारत में बताया है दुर्योधन हर प्रकार से, खाली ये 5 पांडवों के सामने दुर्योधन कैसे जल जल के मर रहा था, एक्चुअली मरने से पहले। तो सबसे पहले इसने देखा युधिष्ठिर, कि युधिष्ठिर दुर्योधन से ज्यादा धार्मिक। तो दुर्योधन ने पहले अपना मुकाबला युधिष्ठिर से किया, सबसे बड़ा ज्येष्ठ है, युधिष्ठिर से मुकाबला किया, देखा कि मैं युधिष्ठिर की तरह मैं धार्मिक पायस पुण्यवान नहीं हो सकता, कल्चर्ड संस्कारी। तो दुर्योधन ने सोचा ठीक है मैं शक्तिशाली बनता हूं, मैं धार्मिक तो नहीं हो सकता युधिष्ठिर की तरह, तो शक्तिशाली बनने का प्रयास शुरू किया उसने, व्यायामशाला जाकर शक्तिशाली बनता हूं कम से कम। फिर देखा भीम, उसमें भी उसने परास्त कर दिया दुर्योधन को, कि शक्ति में भीम दुर्योधन से ज्यादा शक्तिशाली निकल गया। तो दुर्योधन और जलने लगा, न तो मैं संस्कारी बन सका युधिष्ठिर की तरह, न तो मैं शक्तिशाली बन सका भीम की तरह, कम से कम मैं अपने गुरु को प्रसन्न करके द्रोणाचार्य को मैं सबसे प्रिय शिष्य बन जाऊं द्रोणाचार्य का। इसलिए जब वो घटना हुई ना, द्रोणाचार्य ने कहा वो तोते की आंख पर निशाना लगाओ, तो उसमें दुर्योधन को भी टर्न दिया था पहले, तो दुर्योधन को दिया धनुष बाण। द्रोणाचार्य ने कहा क्या दिख रहा है तुम्हें। अब दुर्योधन तो कौन से मूड में था,
उसे थोड़ी कोई तोता और तोते की आंख में रुचि थी, उसको तो यहां चापलूसी करनी थी। तो उसने कहा, गुरुदेव मुझे आपके चरण दिख रहे हैं। अब देखो गुरुदेव ने क्या कहा, तोते की आंख पर निशाना लगा और पूछ रहे क्या दिख रहा है, मेरे चरण, तो साले मेरे चरण को मारेगा। फेल, उधर ही फेल हो गया। तो उसका मूड क्या था कि कैसे मैं अपना गुरु का फेवरेट शिष्य बनूं। उसमें किसने इसको हरा दिया, अर्जुन ने। तो देखो एक एक कर युधिष्ठिर ने धार्मिकता में हरा दिया, भीम ने शक्ति में हरा दिया, अर्जुन द्रोणाचार्य के सबसे चहीते शिष्य बने उसमें दुर्योधन उनसे हार गया। उसके बाद उसने सोचा कि कम से कम मैं थोड़ा दिखने में सुंदर दिखूं, तो नकुल वो दुर्योधन से ज्यादा दिखने में सुंदर। और फिर फाइनली उसने सोचा कि कम से कम मैं भीष्म, बाकी जो अग्रज हैं, जो बुजुर्ग हैं, मैं उनका चहिता बनूं। तो फिर सहदेव ने उसमें भी दुर्योधन को हराया। तो ये पांचों पांडवों ने, ये दुर्योधन ने जो जो ट्राई किया उन सब में दुर्योधन पांचों पांडवों के सामने हारा। इसलिए वो टिपिकल केस था डिप्रेशन का। तो यहां हम ये जो बहुत एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि आजकल अब आप ये सब देखोगे कि ये आजकल इतना कॉमन होते जा रहा है। हमने तो दुर्योधन का एक उदाहरण लिया कि दुर्योधन के अंदर जो ईर्ष्या युधिष्ठिर और अन्य पांडवों के प्रति थी वो इतनी कूट कूट के भरी थी कि यहां तक कि कर्ण, जिसके विषय में इतना कुछ आपने सुना होगा, कर्ण भी बीच बीच में वो दुर्योधन को कहता था कि तू ये सब क्या, उनको कभी विष दे देता है उनको मारने के लिए, कभी उनको लाक्षाग्रह में जलाने का षड्यंत्र करता है, कभी तो जब उसके लिए चौसर के लिए द्यूत क्रीड़ा के लिए जब बुलाया जा रहा था तो कर्ण उस समय बोला कि अरे सीधा लड़ते हैं उनके साथ, ये क्या कायरता की चीजें कर रहा है। तो उस समय दुर्योधन वो जानता था कि युद्ध में मैं इनके सामने कहीं नहीं टिकूंगा, इतने शक्तिशाली, इनके सामने मैं कहीं नहीं टिकने वाला। इसलिए घुमा फिरा के जो जो, और कौन दुर्योधन के ये सब कान भरता था, शकुनी, शकुनी ये सब कान भरता था दुर्योधन के कि नहीं, क्योंकि शकुनी जानता था कि ये मेरा ही भांजा है, मैं जानता हूं मेरे भांजे को कि कितना दम है उसके अंदर, कुछ नहीं कर पाएगा पांडवों के सामने। तो इसलिए दूसरे तरीके से पांडवों को फंसाते हैं। तो इसलिए होता क्या है कि जब हम हमारे अंदर दुर्योधन को जन्म देते हैं, एक दुर्योधन काफी है। इसलिए हम दुर्योधन का उदाहरण क्यों ले रहे हैं ये बैटल विद इन में, क्योंकि पुराणों के अनुसार दुर्योधन ये कौन था, ये मूर्तिमान कलयुग, ये मूर्तिमान कलयुग था। इसलिए दुर्योधन अब इस कलयुग में सारे कलयुग निवासियों के अंदर अपने एलिमेंट्स छोड़े हुए हैं। इसलिए यहां पर अर्जुन की विजय केवल दुर्योधन व्यक्ति के ऊपर नहीं, बल्कि उसका जो व्यक्तिमत्व, नॉट जस्ट अ पर्सन दुर्योधन बट द मेंटालिटी ऑफ दुर्योधन। इसलिए यतचित्तात्मा का अर्थ क्या है कि अर्जुन के तरह हमें केवल बाह्य शत्रुओं के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करनी, बल्कि जो मेंटालिटी है दुर्योधन की, और दुर्योधन की जो मेंटालिटी है वो है कि धर्म, शक्ति, गुरु भक्ति और ये सारे जो गुण पांडवों के थे
इनको कैसे वो परास्त करकर इन पर वो अपना राज्य करे। परंतु फाइनली भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिताया भगवत गीता सुनाकर। अर्जुन जीते हैं वो भगवत गीता सुनकर जीते हैं। हाँ, उनके पास वो युद्ध कौशल भी था और उस युद्ध कौशल से अर्जुन अकेले पहले पूरी कुरु सेना के ऊपर विजय प्राप्त किए थे, परंतु उस विजय के बारे में ज्यादा नहीं कहा जाता। कौन से विजय के विषय में ज्यादा कहा जाता है? जो कुरुक्षेत्र रणभूमि पर अर्जुन विजय प्राप्त किए। और क्यों? क्योंकि वो केवल शस्त्र के आधार पर वो विजय प्राप्त उन्होंने नहीं की थी, बल्कि अर्जुन ने शस्त्र से ज्यादा शास्त्र के आधार पर वो विजय प्राप्त की थी। इसलिए आज का हमारा इस भाग तीन का आपके लिए टेक होम मैसेज यही है कि दुर्योधन की जो मेंटालिटी है उसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी है, और केवल शस्त्रों से नहीं होगा, वो शास्त्रों से हम प्राप्त कर पाएंगे। और यही भगवान हमें बता रहे हैं, यत चित्तात्मा निराशिर यत चित्तात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।